तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग। और वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हम बात करेंगे कि एक शीट से डेटा दूसरे शीट पे कैसे भेजा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा है फॉर्म, एक छोटा सा एक एग्जांपल बना रहा हूँ ताकि आप उसको अच्छी तरह समझे, ताकि जाके हम आगे एक बड़े से फॉर्म पे इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें। राइट, तो ए है और मैं इसकी जो डेटा में आता हूं और यहां मैं आईडी डेट टाइम नेम और क्या क्या है हमारे इसमें रोल एंड मार्क्स। तो जब मैं इस यहाँ मैं एक बटन बनाऊंगा, ये तीन एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये तीन जगहों पे जब मैं टाइप करूंगा एक बटन होगा, जब उस बटन पे मैं सबमिट करूंगा तो सबमिट करते ही मेरा डेटा यहाँ पे पेस्ट होना चाहिए। और डेटा किस टाइम को किस डेट को पेस्ट होगा वो यहाँ आ जाए और एक आईडी ऑटोमेटेड जनरेटेड आईडी यहाँ पे चला जाए। तो उससे पहले हम इस चीज को जानेंगे किसी सेल में हम वैल्यू को कैसे टाइप करते हैं वीवीए के थ्रू, उसको पहले जानते हैं फिर इस प्रोजेक्ट को करेंगे। इंसर्ट मॉड्यूल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट आरा ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो किसी सेल पे वैल्यू डालना है तो यहाँ पे लिखेंगे कि रेंज A1.value इक्वल टू, जैसे कि हमने नेम डाल दिया, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि रेंज सिर्फ ए यहाँ पे जैसे B1.value, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं इक्वल टू रॉ। या फिर मैं कर सकता हूं कि रेंज C1.value इज इक्वल, वैल्यू ने यहां पे फॉर्मूला, वैल्यू तो पकड़ दिया हमने, यहां पे डॉट फॉर्मूला इक्वल टू मार्क्स। तो तीनों में कोई अंतर नहीं है, राइट? तीनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मुझे किसी और सेल के वैल्यू, इसे मान लीजिए मैं C1 की वैल्यू F1 पे डालना चाहता हूं, मैं F1 C1 से वैल्यू उठाए, F1 पे वैल्यू डालनी है तो मैं यहां पे F1 लिखूंगा और डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज C1.value आएगा। तो C1 की जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कि C1 पे वैल्यू अगर 50 है तो यहां पे वो 50 आ जाएगा। अगर C1 की वैल्यू मान लो किसी फॉर्मूले से है कि 20+30, फिर भी वो 50 ही आएगा, यहां पे आपको 50 ही शो करेगा, ठीक है, मैनुअल, क्योंकि ए होगा। लेकिन अगर मैंने यहां डॉट वैल्यू की जगह पे डॉट फॉर्मूला कर दिया तो जाके प्रॉब्लम होगी, तब यहां पे वो इक्वल 30+20 फॉर्मूला लेके आएगा। तो सेम सीट होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि डेटा सीट पे फॉर्म का डेटा जाए, फॉर्म्स का जाए, तो इस तरह से लिखेंगे हम शीट डेटा। एक तरीका तो ये है कि डेटा डॉट यहां पे सॉरी डायरेक्ट लिख सकते हैं रेंज, रेंज A1.value इज इक्वल टू sheets form dot range A1.value। तो दो शीटों के बीच में वैल्यू ऐसे ट्रांसफर करेंगे हम कि डेटा शीट की वैल्यू जो है रिसीव होगी कहां से,
सीट फॉर्म के अंदर रेंज ए वन की वैल्यूज, ए हमारा विथ इन सीट है। अगर विथ इन सीट हुआ मतलब कि एक सीट के अंदर में है तो सीट का नेम देना जरूरी नहीं है, लेकिन दो सीटों का मामला है तो हमें फिर सीट्स देने पड़ेंगे। अगर दो फाइलों का मामला होगा तो यहाँ पे फिर आपको, आयशा जी कुछ बोल रहे हैं? अरे जी बेसिकली मुझे समझ में आ गया, बट ये आप फॉर्म किस लिए यूज कर रहे हैं? शीट फॉर्म, ये फॉर्म सीट का नाम है फॉर्म। अच्छा ओके, तो सर ये एक मिनट, आप मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो मैं आप बेसिकली किस चीज का डेटा बना रहे हैं? मैं डेटा ही बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एक सेल पे आप वैल्यू कैसे टाइप करेंगे। तो टाइप का तरीका है कि आप ए वन डॉट वैल्यू नहीं कर दे, या फिर बी वन डाल दे, फॉर्मूला डाल दे, तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर किसी सेल पे किसी अनदर सेल की वैल्यू स्टोर करना है तो उसका तरीका मैंने बताया कि उसकी डॉट वैल्यू, और यहाँ फॉर्मूला करेंगे तो उसकी फॉर्मूला के साथ आएगा, डॉट वैल्यू करेंगे तो डॉट वैल्यू आएगा। लेकिन आपका विथ इन सीट नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट शीट है, तो फिर आपको सीट के रेफरेंस के साथ डालना पड़ेगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट फाइल हुआ, अब आपका डिफरेंट डिफरेंट हमारा फाइल हुआ तो क्या होगा? तो यहाँ पे फिर आपको उसकी फाइल का रेफरेंस देना होगा, शीट से सीट नहीं, फिर वर्कबुक होगा ना, वर्क बुक्स। मान लीजिए इसका फाइल का नाम है बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स या एक्सएलएस एम, जो भी पाथ होगा वो पाथ आ जाएगी, और फिर यहां भी हम सेम लिखेंगे दूसरे साइड में, ठीक है? समझ आ गया आपको कि हम एक्सेल सीट पे डेटा कैसे डालें, टाइप करेंगे या किसी सीट, किसी भी रेंज जो कि सेम सीट में हो सकती है, डिफरेंट सीट में हो सकती है, और अनदर फाइल में भी हो सकती है, उसका डेटा कैसे लेके आए, इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ाएंगे। फिलहाल मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब मैं एक मैक्रो बना रहा हूं सेंड के नाम से। अब मैं चाहता हूं एक बटन यहां बनाऊं, यहां इस पे आपको डेवलपर टैब में इंसर्ट, और मैंने एक्टिव एक्स ने लिया, हमने फॉर्म कंट्रोल लिया और एक बटन यहाँ पे डिजाइन किया। बटन डिजाइन करते ही मैक्रो बोलेगा कौन सा मैक्रो, मैंने सेंड मैक्रो ले लिया क्योंकि सेंड मैक्रो मैं बना चुका हूं, और इसमें मैं लिख देता हूं सेव। अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूं, मेरा जो ये डेटा है, ये डेटा उठ के हमारे डेटा शीट के अंदर यहां पे एक के नीचे टाइप हो, ठीक है, और ऑटोमेटिक एक आईडी को जनरेट करे किस डेट को किस टाइम पे डेटा डाला गया है, उस डेट एंड टाइम भी यहां शो होना चाहिए। अब चलिए इसके लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले यहां बात आती है आईडी क्रिएशन की, कि आईडी कैसे क्रिएट करेंगे। तो आईडी क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं यहां पे मैक्स का फॉर्मूला लगाऊं और इस कॉलन की मैक्सिमम वैल्यू पता कर लूं, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें प्लस वन कर दूंगा तो हमारे पास आईडी यहां पे आ जाएगा, ठीक है? वो फॉर्मेट कस्टम फॉर्मेट लगा हुआ था पहले से, इससे ऐसा हो गया। तो अगर हम यहाँ पे अगर आईडी वन होगा तो ऑटोमेटिक टू हो जाएगा, थ्री होगा तो ऑटोमेटिक थ्री हो जाएगा, सब पे फॉर्मेट लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए कोड पहले आईडी जनरेट करते हैं। तो हम एक वेरिएबल आईडी लेते हैं इक्वल टू, अब यहां पे क्या है कि मैं मैक्स का फॉर्मूला लगाता हूं तो मैक्स वीवीए को, सॉरी मैक्स, तो मैक्स वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है, तो क्या करेंगे इसके लिए? अगर मैक्स वीवीए को सपोर्ट नहीं करेगा तो फंक्शंस, वर्कशीट फंक्शन से कॉल करेंगे इसका जी। हम लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, और फिर इसमें देंगे शीट्स डेटा। अब सेम फाइल की है इसलिए शीट दे रहा हूं, अगर अनदर फाइल होगा तो फिर आपको
इसके सामने वर्कबुक भी लगाना पड़ेगा जैसे कि हमने ऊपर दिया हुआ है। ये पूरे कॉलम का रेंज दे दिया, तो हमने मैक्स का फॉर्मूला वीवीए में वीवीए के थ्रू लगाया वीवीए मेथड से। तो जो भी कॉलम ए में मैक्सिमम नंबर होगी वो मैक्सिमम नंबर आपको यहां शो करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे अब आगे बात करते हैं कि इस आईडी को मुझे डेटा में डालना भी तो है सबसे नीचे, तो कैसे डालें? क्योंकि हम A2 लिखेंगे, अगर हमने यहां पे लिख दिया रेंज A2 डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमेशा वो A2 पे डालेगा। मैं चाहता हूं कि हमेशा एक के नीचे एक करे। तो कल जो मेथड मैंने पढ़ाया था उसी मेथड को लूंगा, मैं लिखूंगा शीट्स। शीट्स कौन सा शीट? तो डेटा का शीट। डॉट रेंज, रेंज में हमने बोला 65,000। डॉट 65,000 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस 1। ये लाइन किसको समझ में नहीं आया? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूं। आया सर, आया। ये क्या करेगा, डेटा शीट में जाएगा और A65,000 पे जाएगा। यहां से वो कंट्रोल के साथ पेज अप करेगा। इतना काम कौन कर रहा है? इतना काम कर रहा है आपका शीट्स डेटा रेंज एंड एक्सलेस अप, ये हो गया। तो जहां एक्सलेस अप रुकेगा उससे मुझे एक रो नीचे लाने, क्योंकि जहां पे रुकेगा वो हमारा लास्ट डेटा होगा। तो लास्ट डेटा की अगली डेटा जो होगी वो हमारा ब्लैंक रो होगा जहां पे एंट्री करना है। तो ऑफसेट यहां पे आईडी प्लस 1 मतलब 0+1 यहां लिखे। ओके, अब मैं इसी कोड को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूं। हाँ प्रशांत जी बताइए, कुछ पूछना है? आपकी तो आवाज ही नहीं आती मुझे सर। ईशा जी क्या हुआ? हेलो हेलो सर, सर ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने दे दिया डेट का फॉर्म बना। डेट का फॉर्मूला तो एक क्या करेगा, सिस्टम डेट डाल देगा। अब यहां पे मैं 1 नहीं कर सकता, अगर यहां पे 1 कर दिया तो एक क्या करेगा कि वो नीचे से 65,000 से ऊपर आएगा और फिर इसके नीचे डेट डाल देगा, गलत है। तो मुझे इसके आगे करना है ना, यहां पे करना है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं बी 65,000 से ऊपर जाऊं एक नीचे करूं और फिर यहां पे मैं डेट डाल दूं, ऐसा भी कर सकता हूं। मतलब कि मैं यहां पे ए के जगह पे बी कर दिया, लेकिन इसमें आगे एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डेटा आपका ब्लैंक रहा, देखिए क्या होगा कि मान लीजिए कि किसी में हमें रोल नंबर नहीं था तो हमने नहीं डाला, मान लीजिए कि यहाँ पे टाइम भी डाल, एक एंट्री कर देता हूं मैं यहाँ पे पूजा, यहाँ पे रोल नंबर नहीं था, मार्क्स डाल दिया। अब अगली एंट्री में यहाँ पे 2 होगा, ये पूरा एंट्री होगी। अब यहां पे जो रोल नंबर मुझे यहां डालना चाहिए वो क्या होगा कि इसके ऊपर जाके एक नीचे आएगा, यहां डाल देगा। मतलब कि पूजा के जगह मैं यहां पे मोहन कर देता हूं, तो मोहन का रोल नंबर वो पूजा पे डाल देगा। सो हम ऐसा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो ऑफसेट है आपका, ऑफसेट में आपने देखा यहां पे
कि 0, 1, 0, तो 0 जो होता है ये हमारा कॉलर के लिए होता है। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे जो एंड जहां कर्सर जा रहा है, मतलब कि जो हमारा अगली बार तो इस पे जाएगा ना कर्सर, यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ पे आएगा, तो यहां से वो नीचे ना आके आगे चला जाए। इसलिए हमने क्या किया कि बोला रो 0 हो और कॉलम 1 हो, ये हो गया डेट। अब इसी को मैं नीचे कॉपी करके पेस्ट करता हूं और 1 के जगह पे 2 करता हूं, दूसरे कॉलम पे जाए और यहां डेट के जगह पे नाउ, क्योंकि टाइम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बट नाउ क्या करता है, डेट एंड टाइम दोनों देता है, बट मुझे तो चाहिए टाइम। तो मैं जो टेक्स्ट फॉर्मूला एक्सेल में लगाता हूं उसी का एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला आता है फॉर्मेट का, वो यहां इस्तेमाल करता हूं। और यहां पे मैंने यहां पे HH/MM/SS तो नाउ मतलब डेट एंड टाइम से सिर्फ टाइम को अलग कर देगा। उसके बाद अब यहां तीसरे कॉलम में मुझे नेम डालना है। हेलो बोलिए। B65,000 को C65,000 करना है सर। हाँ कर देता हूँ, मैं गलती से छूट गया। यहाँ हमारा है डेटा में फॉर्म में हाँ B2, 5 and 8 हाँ। तो हमने बोला रेंज B5.band और यहाँ हम जैसे कि मैंने बताया कि मैंने गलती से बी कर दिया है, तो ए यहाँ पे ए करना होगा ना, ए ए और यहाँ ए। अब एक चीज आप देख रहे हैं कि मैंने रेंज बी फाइव कर दी, इसके आगे हमने शीट नहीं दिया हुआ है। ईसा जी समझाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्या कह रहे हैं आप? मैंने जैसे कि यहाँ पे एक मिनट बताता हूँ, जैसे यहाँ ऊपर देखिए हमने बताया कि अगर B3 सीट हो तो जहां से वैल्यू आ रहा है और जहां पे वैल्यू जा रहा है दोनों तरफ हम सीट का नेम देते हैं, देते हैं ना हाँ। बट यहाँ पे हमने लिखा सीट डेटा डॉट रेंज किया, बट यहाँ पे सिर्फ हमने रेंज कर दिया, हमने इसके आगे शीट का नेम, यहाँ पे फॉर्म लगाना चाहिए था, यहाँ पे कायदे से मुझे लिखना चाहिए था शीट फॉर्म डॉट रेंज क्या, बट ऐसा मैंने नहीं किया। क्या रीजन था, या ऐसे ही नहीं किया, मूड नहीं था, या कोई रीजन है? सर क्या अभी आप सिर्फ स्टेट सर नहीं, मुझे नहीं पता इसके पीछे रीजन। देखिए हम सीट का रेफरेंस कब देते हैं, जब हमें एक पर्टिकुलर सीट असाइन करनी होती है। अगर हम सीट का नेम नहीं देंगे तो क्या होगा, वो एक्टिव सीट का ही रेंज B5 का डेटा उठाएगा क्या? तो जब हम इस मैक्रो सेंड मैक्रो को रन करेंगे, कैसे रन करेंगे, हम रन करेंगे बटन पे क्लिक कर देंगे। तो बटन पे क्लिक करने के लिए हमें फॉर्म को तो एक्टिवेट करना ही पड़ेगा ना हाँ। तो इसलिए इसमें हमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस पे जाएंगे ही जाएंगे, मतलब सीट का रेफरेंस देने की जैसे डाल सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देना जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये फॉर्मूला बटन पे क्लिक करके ऑन होगा। जब बटन पे क्लिक होगा तो मेरा वो सीट एक्टिव होगा जिसका B5 और B8 हमें वैल्यू डेटा में भेजना है। ओके ओके एंड सर एक चीज और सर, एक्चुअली मुझे जो यहाँ पे जो आपने फर्स्ट जो आपने कोडिंग की है, मुझे ये वाली वैल्यू पूरा मुझे एक बार आप समझा दीजिए, फिफ्थ रो क्या दिक्कत है, किसमें दिक्कत है आप? ये तो मैं कल आपको बताया था ना, ऑफसेट वाला एंड और ऑफसेट का मेथड। सर ये तो समझ में आ गया मुझे हाँ। ये सारा समझ में आ गया जो अभी आप कोड कर रहे हो, ये सारा समझ में आ गया जो ऊपर आपने लिखा हुआ है वर्कबुक ब्रैकेट में book1.xlsm.sheet डेटा। मैंने फर्स्ट बेसिकली ये समझाया, सुनिए सुनिए, ये हमने ये समझाया था
कि अगर आपको एक सेल पे डेटा डालनी हो तो हम इस तरह से डाल सकते a1.value, b1.role, c1.formula. अगर मुझे दो एक सेल की वैल्यू दूसरे सेल में डालनी हो तो आपको इस तरह से लिखना होगा. यहाँ पे फॉर्मूला करोगे तो फॉर्मूला आएगा और वैल्यू करोगे तो वैल्यू आएगा. राइट, वैल्यू इज फॉर टेक्स्ट एंड फॉर्मूला इज फॉर नंबर. नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला जो कि फॉर्मूला लगा है फॉर्मूला बार में, जैसे सम, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम. ओके ओके, सेल वैल्यू फॉर्मूला लगा होता है ना. ओके अच्छा, वो वाली वैल्यू मतलब वहां पे F1 पिक कर लेगा वो वाला फॉर्मूला जो C1 में लगा हुआ है. हां, अगर हम यहां पे वैल्यू करेंगे तो सिर्फ वैल्यू पिक करेगा, तो वो F1 में वो सेल में वैल्यू आ जाएगी जो C1 में फॉर्मूला लगा हुआ है. राइट, हाँ. दूसरा, अगर ये तो सेम सीट की बात होगी ना, अगर अनदर सीट पे होगा तो अनदर सीट पे हम ए इस ए डालेंगे और यहाँ पे ए डालेंगे. ठीक है. अच्छा, ओके. लेकिन अगर एक फाइल से दूसरे फाइल में जाना है तो फिर उसके साथ उसका फाइल का रेफरेंस भी देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया. ठीक है सर, मैम सॉरी सर, ये लास्ट वाली मुझे अभी भी समझ में नहीं आई है मैम. जैसे मान लीजिए कि मुझे बुक वन है हमारा या हमारा बुक टू है, तो हाँ. बुक से डेटा बुक वन में चाहिए तो बुक का भी देना पड़ेगा ना. सही है, वो वहाँ पे बुक वन था तो इस वजह से मुझे कंफ्यूजन हो रही थी. अब समझ में आ गया कि आपको बुक वन में जो वैल्यू चाहिए और फिर उसके बाद आपको जो बुक वन में एक जगह पे वैल्यू है जो ए वन में पड़ी है आप वो बुक टू में चाह रहे हैं. ठीक है, और मैसेज बॉक्स में बताएगा डेटा सेव, और जो डेटा भेजा है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि रेंज b2, b5, b8.clear. क्लियर कंटेन, मतलब को डिलीट कर देगा. अब देखिए क्या होगा, अब मैं इसके अंदर कोई डेटा डालता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने किया पूजा और मैं रोल नंबर दिया 1 और हमने यहाँ पे मार्क्स दिया 50. और जैसे मैं इस पे सेव पे क्लिक करूंगा मुझे मैसेज दिया डेटा सेव एंड ओके और क्लियर हो गया, और डेटा में जाके देखिए आपका पूरा डेटा स्टोर हो गया. अब अगली वैल्यू मान लीजिए मैं देता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गीता, यहाँ पे रोल नंबर देता हूँ 2 और मार्क्स देता हूँ कुछ और, देन सेव. ठीक है, आप लोग को हेलो सर, ये डेटा कहाँ से पिक कर रहा है? डेटा फॉर्म से पिक कर रहा है, और कहाँ से पिक कर रहा है? हमने यहाँ से किया है ना, हमने क्या बोलू, हमने इस पे टाइप किया सेंड किया तो इसमें भेज रहा है ना. अच्छा, ये पर इसका भी सर कहीं बैकअप होगा? बैकअप क्यों होगा? ये जो सर एक्चुअली द प्रॉब्लम इज मेरे को ये फॉर्म वाला पार्ट में मैंने स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया था तो मुझे ये पूछना है. कुछ खास नहीं, हमें कुछ नहीं कर, सुनिए सुनिए, हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो यहाँ 3 सेल पे जो वैल्यू डाली है इसको मुझे डेटा शीट में एक के नीचे डालना है, सिंपल सी बात है. उसके लिए हमने एक कोड जनरेट किया, जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे ये परफॉर्मेंस रन होगी एवरी टाइम. हमने यहाँ पे ऐसा कोड दिया हुआ है कि सीट में एक के नीचे जाएगा और डेटा को डाल देगा. अच्छा, अब इसको ट्राई करेंगे तो भी समझ में आएगा आपको. ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, हाँ. इसको ट्राई कीजिए. लग रहा है कि आपने कल की क्लास पर प्रैक्टिस नहीं की है इसलिए इतना कंफ्यूज हो रहे हैं आप. सर वो मेरे पास रिकॉर्डिंग ही नहीं थी तो मेरे लिए इशू यही हो गया था, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर पाई हूं. आपको रिकॉर्डिंग मैंने भेज दिया ना? यस सर. चलिए तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ओके सर, थैंक यू. वो आपको समझ आया, इसलिए मैंने आपको बोला था जॉइनिंग के समय ही कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आपको करते रहना है.
प्रैक्टिस छूटेगी तो ऐसी प्रॉब्लम होगी आपको क्लासेस में, थोड़ा भी लेट वर्किंग आवर्स है तो मेरा मोस्टली यही होता है, मैं मोबाइल से चला रही होती हूँ तो मेरे को दिक्कत होती है रिकॉर्डिंग एंड ऑल, मेरे लिए दिक्कत होती है तो मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चली जाती है, मैं डाल दिया था रिकॉर्डिंग, मैं बता कंफर्म कर सारी रिकॉर्डिंग डालता हूँ, लेकिन हाँ बहुत सारी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। इसमें सर एक सजेशन दूंगा मैं, अगर आप मोबाइल से ये करती है तो जो भी माइक्रो लिखा हुआ है ना उसका स्क्रीनशॉट लिया कीजिए। हाँ राइट, वो मैं कर लेती हूँ, वो मैं कर लूंगी। तो मैं भी वैसे ही करता हूँ, तो जो हाँ। भी माइक्रो से उसके स्क्रीनशॉट लेता हूँ। या फिर एक काम और कर सकते हैं, एक स्क्रीन रिकॉर्डर आता है जो कि मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है। राइट सर, वो आईफोन के लिए है, सबके लिए है, वो नॉर्मल फोन में भी आता है। ओके तो मैं सर स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल करके देखती हूँ और कल ट्राई करूंगी। हाँ इनबिल्ट रहता है वो, हर एक फोन में भी इनबिल्ट रहती है वो एप्लीकेशन। नहीं इनबिल्ट नहीं रहती है सर, सब में नहीं होता। संतोष जी आपकी ईमेल आईडी क्या है? चलिए फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, मिलते हैं कल सेम टाइम। और कल मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे इस पे ये जो सिंपल फॉर्म मैंने बनाया आपके सामने, आप क्या करें एक अच्छा सा फॉर्म जो कि आप अपने ऑफिस में भरते हैं, यूज करते हैं, बहुत जगह पे देखते होंगे, ऐसे फॉर्म बना के मुझे आप भेज, ठीक है? ओके सर। ओके तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट।